मुस्लिम वोट काटने के लिए, ममता बनर्जी को धोखा देने के लिए ये अमित शाह खड़ा कर दिया, जैसे बिहार में खड़ा कर रहा था मीम को। क्यों भरोसा करूं मैं? अपने माँ बाप का भरोसा नहीं किया तो मोदी जी क्या भरोसा करूंगा? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ ऑल इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा, जोड़ा साकू में मौजूद हूं और पल पल की अपडेट लगातार आप तक पहुंचाई जा रही है कि क्या कुछ लोगों की सोच है, क्या कुछ लोग अब सोच रहे हैं और अपने उद्धार के लिए किसको वोट देने वाले हैं। तो बहुत सारे लोग मेरे संग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अब आने वाले समय में चुनाव बहुत नज़दीक आ गए हैं, बहुत कम दिन बचे हुए हैं, ऐसे में जनता का आपको क्या कुछ सोच देखने को मिल रही है, किसको वोट दिया जाएगा? देखिए, जनता यहाँ की जिस दिन चुनाव की घोषणा हुई उसी जनता ने मोटा मोटी तय कर लिया था कि इनको सुनना है, हमको अपने मन का करना, बाकी सुनना है। सुनने के लिए पहले शुरू के दिनों में प्रधानमंत्री की मीटिंगों में भीड़ हुआ करती थी, अमित शाह के मीटिंगों में भीड़ हुआ करती थी, वही वादे वही बातें उसी तरह का तंज, जनता हो गई तंग और तंग होकर जनता जाना बंद कर दिया इनके चुनावों में। और पुरुलिया और आसनसोल साइड में जो भी इनकी मीटिंग हुई है, आप लोग मीडिया वाले लोग हो खबर रखना, ये बिहार से लोग लाएंगे, झारखंड से लोग लाएंगे, भर भर के गाड़ियों में लोग लाकर भीड़ किए। और एक दिन ऐसा स्थिति आया, झारखंड में गृह मंत्री का मीटिंग था और लोग नहीं थे, यांत्रिक गड़बड़ी के कारण से हेलीकॉप्टर वापस चला गया, कह कर के यांत्रिक गड़बड़ी है। अर्थात यहाँ की जनता ऊब चुकी है इनके भाषणों से। अब जितना जल्दी चुनाव खत्म हो जनता अपने घरों को जाए, और जनता अब सुनना नहीं चाहती, जनता ने मन बना लिया कि हमको माँ माटी मानस की सरकार को वोट देना है, हमको दीदी के साथ रहना है, जो स्वास्थ्य साथी कार्ड दिया है, जो रूपश्री कार्ड दिया है, जो महिलाओं को 25,000 रुपया लड़कियों को पढ़ने का दिया है, शादी का रुपया दिया है, जुआश्री दिया है, साइकिल दिया है, इसी के साथ हमको रहना है, जुमलाबाज के साथ नहीं रहना है। पीएम मोदी ये कह रहे हैं कि जितना ममता दीदी दे रही है उससे ज़्यादा लोगों के लिए करेंगे, ये जरूर बात कह रहे हैं। जनता मानती भी यदि 2 करोड़ नौकरी दिए होते तब, जनता मानती भी यदि 15 लाख दिए होते तब, कहीं ये भी जुमला हो जाए, इसलिए जनता बोलती है हमको जरूरत नहीं है। ये 5,000 का स्वास्थ्य साथी कार्ड जो हमारे पास है, पूरे परिवार का हम सुरक्षित है, दीदी के हम यहाँ हैं, दीदी के साथ रहेंगे। और यहाँ की जनता एक कह रही है कि यदि वोट हम लोग दीदी को नहीं देंगे और दीदी का खुदा ना खास्ता यदि यहाँ से सरकार चली गई तो जो मिल भी रहा है वो सारा कुछ बंद हो जाएगा, इसलिए जनता जो है दीदी के सरकार साथ है, दुआरे सरकार के साथ है। लेकिन बीजेपी की तरफ से ये भी कहा गया है कि अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं तो पहली मीटिंग के बाद CNRC यहाँ पर ला दिया जाएगा, क्या कुछ राय है? कभी कुछ नहीं कर पाएगा, कभी जब तक राज्य समर्थन नहीं करेगा तब तक कर नहीं पाते हैं, कर नहीं सकेंगे। एक तो यहाँ कहते हैं कि NRCCA लाएंगे और वहाँ चुप है, आसाम में चुप है, चुनाव एक साथ हो रहा है, वहाँ कुछ बोल नहीं रहे, और यहाँ कहते हैं NRCCA करेंगे, इनका जो है चोचलाबाजी नहीं चलेगा। किसको वोट देने वाले हैं इस बार? TMC TMC को देने वाले हैं, परिवर्तन नहीं चाहते? एकदम नहीं चाहते। ठीक है, और भी लोग हैं, बोलिए बोलिए। एक मिनट खाली, जो हम लोग को एक करने जा रहा है, जो करने जा रहा है NRC इस कॉन्स्टिट्यूशन का खिलाफ है, पहले कॉन्स्टिट्यूशन संशोधन करे उसका बाद इसको लगाए। और ये जो ISF निकला ना, इंडियन सेकुलर पार्टी, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ अमित शाह। क्या हम बोला? इसका दूसरा नाम है मुस्लिम लीग, समझ गए? मुस्लिम वोट काटने के लिए, ममता बनर्जी को धोखा देने के लिए ये अमित शाह खड़ा कर दिया, जैसे बिहार में खड़ा कर रहा था मीम को और हराया था लालू यादव को, बेटा को, समझ गए? सेम चालियां खेल रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से सुना ऐसे में अब लगातार जो है चुनाव प्रचार प्रसार भी चल रहे हैं, क्या कुछ माहौल दिख रहा है? माहौल यही दिख रहा है कि जब भी पश्चिम बंगाल में मोदी जी आते हैं खाली झूठ ही झूठ बोलते हैं, झूठ के अलावा उनके पास में कुछ नहीं है। मैं आप मीडिया वाले हैं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि क्या बंगाल में स्कूल नहीं है? क्या बंगाल में शिक्षा नहीं है? क्या बंगाल में पानी नहीं है? क्या बंगाल में मानुष नहीं है? सब जगह मानुष है, सब जगह शिक्षा है, ये आगे क्या कर देंगे? इन्होंने कहा था खेला होबे। ठीक है, जिस तरीके से आपने देखा कि खेला होवे के यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है, लेकिन विपक्ष और बीजेपी ये कह रहा है कि खेला होवे नहीं, शिक्षा होवे। बिल्कुल, हम लोग विकास की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक जुमलेबाज प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बार बार दिल्ली से आते हैं और एक नया नया जुमला रोज छोड़ के चले जाते हैं, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं। यहाँ विकास की लड़ाई होगी, विकास का खेला होगा, कन्याश्री का खेला होगा, सबूत साथी का खेला होगा, द्वारे सरकार का खेला होगा। ममता बनर्जी हम लोगों की नेत्री हैं और हर दिन हर पल टूटे पैर से खेलेगी और यहाँ तक ऐसा करेगी कि आज बंगाल के लोग
हम लोग ऑलरेडी सोनार बांग्ला की तरफ बढ़ रहे हैं। हम लोगों का जुमलेबाजी की सरकार नहीं चाहिए। ममता बनर्जी के नेतृत्व में यहाँ का हिंदी भाषी, यहाँ का बांग्ला भाषी सब एक है, और आने वाले समय में आप देखिएगा कि ममता बनर्जी की दो तिहाई बहुमत से सरकार बनने जा रही है। ठीक है, अरे भैया एक चीज बताएं बड़े भाई कि जब विपक्ष ये कह रहा है आप लोगों को बंगाल का भला चाहिए, तो विपक्ष जब ये कह रहा है कि 22,000 करोड़ की, बीजेपी कह रही है 22,000 करोड़ की लागत से कोलकाता को बिल्कुल बदल दिया जाएगा, तो उसमें हर्ज क्या है? अरे तो बदल दिया जाए तो गरीब आदमी कहाँ रहेंगे? ये जो जो झोपड़पट्टी में रह रहे हैं यहाँ अगल बगल, उनके लिए किया जाएगा? उनके लिए कुछ नहीं, वो तो खाली झूठा बात बोलता है, झूठा वो खाली झूठा बात बोलकर इस सब वोट के चक्कर में झूठा बात बोल रहा है वो लोग कुछ नहीं कर पाएगा। बोला सोनार बांग्ला, सोनार बांग्ला पहले यूपी बांग्ला, यूपी को बनाओ, यूपी को बनाओ, सोनार बांग्ला मध्य प्रदेश सोनार बांग्ला बनाओ, बांग्ला में क्या दिक्कत है? भारी सोनार जी बोला महीना मिलेगा, मोदी जी बोले थे कि एक मजदूर को 17,000-16,000 रुपए महीना मिलेगा करके, ये हर मजदूर को मिलना चाहिए, वो मजदूर को दिया मजदूरी नहीं दिया। हम मोदी जी को खराब नहीं बोलेगा, लेकिन वो गलत भी नहीं है, अपनी जगह पे वो सही है, लेकिन ममता बनर्जी मेरे लिए यहाँ पर बंगाल में सही है। तो जिस तरीके से आपने देखा कि यहाँ के जो मजदूर वर्ग है वो काफी खफा है मोदी जी से, लेकिन और भी लोग हैं, क्या बोले हैं? हाँ बोलिए 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 बोलिए। ट्रेन चला कर जाता है यहाँ से, एक पुलिस वाला उसको मारता है, क्यों मारता है? मजदूर का कीमत क्या बोला था मोदी जी कि एक मजदूर का इतना कीमत, एक सिलेंडर एक गैस देने से किसी का घर संसार नहीं चलता है। लॉकडाउन में कितना खाना दिया वो, एक रुपए का नहीं दिया। ममता जी ने दिया, हाँ दिया, हम खाया। लेकिन चलिए पहले की बात है, लेकिन इस बार मोदी जी कह रहे हैं कि सब कुछ दिया जाएगा, तो भरोसा करें? क्यों भरोसा करूं, मैं अपने माँ बाप का भरोसा नहीं किया तो मोदी जी क्या भरोसा करूंगा? 22,000 करोड़ की आपने बात की, हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हैं कि 22,000 करोड़ और 22,00,000 करोड़ दें हम लोगों को। पिछले 10 वर्षों से माँ माटी मानूस की सरकार है, उन्होंने एक पैसा, और पिछले 7 वर्षों से माननीय मोदी जी की सरकार दिल्ली में है। केवल जुमलेबाजी, जब हम लोग यहाँ अम्फन का शिकार हुए तो उन्होंने यहाँ पर हेलीकॉप्टर से आए और कह कर गए कि 10,000 करोड़ दे रहे हैं, आज तक वो पैसा नहीं मिला, लेकिन प्रत्येक प्रत्येक भाषण में 10,000 करोड़ की बात करते हैं। ममता बनर्जी यहाँ की माननीय मुख्यमंत्री हैं, रहेंगी, 22,000 क्या 22,00,000 करोड़ दें, हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, लेकिन बंगाल सिर्फ अपनी बेटी को चाहता है, बंगाल अपनी बेटी को ही चाहेगा, और आने वाले दिनों में ममता बनर्जी ही यहाँ की। ठीक है ठीक है, लेकिन एक मुख्य सवाल, एक मुख्य सवाल कि अब ये भी सुनने में आ रहा है और आरोप भी लग रहा है कि टीएमसी में परिवारवाद देखने को मिल रहा है। कुछ नहीं, सब अफवाह है, झूठा बात है, ये झूठा बात अमित साहब कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी कर रहा है। कोई परिवारवाद नहीं, परिवारवाद देख रहा है जयसाव का, परिवारवाद नहीं देख रहा अमित शाह जी का, कितना 1,000 करोड़ का मालिक है जयसाव, कब जो अमित शाह का अगस्त में सीबीआई उतरेगा ये बताइए आप लोग। अमित शाह का लड़का जय साहब के बारे में कब सीबीआई उतरेगा? दिल्ली इलेक्शन हारने का 2024 का बात ये आप लोग बताइए। जिस तरीके से देखा आपने यहाँ पर लोग काफी आक्रोशित हो जाते हैं, लेकिन ऐसे में भाई साहब से एक और सवाल ले ही लेते हैं, क्योंकि लगातार हमारे टच में रहते हैं और बाइट भी लगातार देते रहते हैं, ऐसे में अब आने वाले समय में क्या कुछ देख रहे हैं आप? देख रहे हैं कि 200+ सीट टीएमसी का आएगा यहाँ पर, एकदम 100% आपको यूनियन पोल ये दिखा रहा है कि बीजेपी का 150+ है। वो सब चैनल को बीजेपी वाला आगे से खरीद चुका है, सब बीजेपी वाला खरीद चुका है चैनल को, सब चैनल बिक्री हो चुका है, हिंदी जय रिपब्लिक भारत बिक्री हो चुका है, जी न्यूज बिक्री हो चुका है, जी हिंदुस्तान बिक्री, उनका नाम छोड़िए, उनके नाम से हमें मतलब नहीं है। बोलिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी जो यहाँ दावा कर रही है कि मैं इतना सीट लेके आ रहा हूँ, तो वो कह रही है वोट किसको देना है, जनता को वोट देना है, और जनता ये पश्चिम बंगाल की जनता जो है जागरूक है कि मुझे किसको वोट देना है और किसको यहाँ पर लाना है। ठीक है, आप पीछे जरा मजदूर वर्ग के लोग खड़े हैं उनसे एक बार सवाल और ले लेते हैं। आइए चाचा, चाचा आओ, जाओ मत, इस बार वोट किसको दे रहे हो? ये बात हम लोग ममता दीदी को छोड़ के नहीं जाएंगे, बीजेपी को नहीं देंगे, नहीं, ममता दीदी हम लोग का पश्चिम बंगाल के सुरक्षित बहुत अच्छा किए हैं, काहे देश ग्राम में आधार कार्ड बन गया, आधार कार्ड सब कुछ हो गया है, सब कुछ बना दिए हैं, काहे रास्ता में देश ग्राम में सब अच्छा रास्ता बना दिए हैं, और लड़की लोग का सब पैसा कौड़ी जो मतलब सब कुछ दे रहे हैं, ममता दीदी बहुत कुछ कर रहे हैं,
चलो ठीक है, इस तरीके से आपने देखा कि तमाम लोगों से बातचीत की, यहाँ पर सभी लोग मौजूद थे, मजदूर वर्ग के लोग भी मौजूद थे। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि ममता दीदी ने काम किया है और वोट उन्हीं को जाएगा, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो साफ तौर पर ये सामने आ जाएगा कि वोट जो साइलेंट वोटर का हम जिक्र कर रहे हैं बार बार, तो वो वोट किसको देने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।